पियर थाना क्षेत्र के नुनफारा में अवस्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों एवं नवदुर्गा पूजा समिति से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पियर थाना के अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता के द्वारा की गई, जिसमें चैत्र नवरात्रा एवं रामनवमी मेला के सफल आयोजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, लोगों के विचार सुने गए, पुलिस प्रशासन की तरफ से आवश्यक कार्रवाई से संबंधित बातों से लोगों को अवगत कराया गया, सरकार के गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर भी लोगों को आवश्यक निर्देश दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब थाने के पुलिस पदाधिकारी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक करने के बजाय कार्यक्रम स्थल पर स्वयं पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर क्षेत्र के लोगों के साथ शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर आयोजन से पूर्व बैठक की है। पियर थाना के अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि बंदरा प्रखंड क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर इस मेले में काफी ज्यादा भीड़ होती है। पड़ोसी गायघाट प्रखंड क्षेत्र के लोगों की भी भीड़ यहाँ रहती है। सभी लोगों का थाना पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता, इसलिए पदाधिकारियों के साथ वे स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। शांतिपूर्ण मेला आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, लोगों की आवश्यक प्रस्तावों को भी सुना गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि रामनवमी के दिन पियर थाने के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की टीम के अलावा वे स्वयं भी इस मेला में कैंपिंग करेंगे। रामनवमी के दिन सुबह से शाम तक यहाँ व्यापक भीड़ होती है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाने की पुलिस अलर्ट रहेगी। बैठक के दौरान पुलिस पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्र के गणमान्य लोगों की खास तौर से उपस्थिति रही।